फ्रेडरिक नीचा एक जर्मन फिलोसोफर थे जिन्हें अब तक के सबसे साहसी और महान थिंकर्स में से एक माना जाता है। अपनी किताबों में नीचा ने रिलीजन, कल्चर, साइंस, आर्ट, ट्रेजेडी और ह्यूमन सफरिंग जैसे टॉपिक्स को डिस्कस करा है। उनकी फिलोसफी में बहुत सी बातें इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल हैं कि आप चाहकर भी उनकी बातों को इग्नोर नहीं कर सकते और वो आपको और गहराई से सोचने के लिए मजबूर करते हैं। जो भी इंसान एग्जिस्टेंस से जुड़े फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना चालू करता है वो यूजुअली नीचा को पढ़ने से ही अपनी फिलोसॉफिकल जर्नी की शुरुआत करता है। इसी वजह से नीचा ने कई महान फिलोसोफर्स और साइकोलॉजिस्ट्स को इन्फ्लुएंस करा है और तभी इस एपिसोड में हम उनकी सबसे जरूरी और प्रैक्टिकल लेसन को डिस्कस करेंगे। लेसन 1, लिव डेंजरसली। नीचा के हिसाब से कोई भी इंसान कभी भी ना तो ग्रेट बन सकता है और ना ही खुलकर जिंदगी को एंजॉय कर सकता है जब तक वो खुद को खतरनाक सिचुएशंस में डालकर टेस्ट नहीं करता। हमें खुद की लिमिट्स को रेगुलरली परखना चाहिए। यही अकेला तरीका होता है जिससे हम कम्फर्ट जोन से बाहर निकलकर खुद को ओवरकम कर सकते हैं। नेचर उन क्रीचर्स का साथ नहीं देती जो हमेशा डरे सहमे से रहते हैं और लाइफ से दूर भागते हैं। इसके बजाय वो उन यूनिक इंडिविजुअल्स को फेवर करती है जो ऑर्डर और केओस के बीच रहते हैं और उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे आम लोग जो खुद की बुद्धि के ही गुलाम बन चुके हैं उनका क्या ओपिनियन है। ऐसी वीक मेंटेलिटी वाले लोगों को नीचा लाइफ डिनायर्स बोलते हैं क्योंकि बंद कमरों और घर, स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की सेफ्टी में हर समय रहना ये कोई साहसी काम थोड़ी हुआ। अगर आप लाइफ के फ्लो में आना चाहते हो तो आपको बहुत से रिस्क लेने पड़ेंगे। अपनी जेबें भरने के साथ अपने दिल को भी भरना होगा। अपने मन के गुलाम बनने के बजाय उसे शांत करना होगा और झुंड में गुम हो जाने के बजाय अकेले खड़े होने की हिम्मत करनी होगी। जो इंसान इस तरह से जिंदगी जीते हैं उन्हीं के नाम हमारी इतिहास की किताबों में छपते हैं। उनके लिए स्टैचूज खड़े करे जाते हैं और उन पर मूवीज बनाई जाती हैं ताकि दूसरे लोग भी उनसे कुछ सीखें और वो भी डेंजरसली और खुलकर जिएं। लेसन 2, इंक्रीज योर अवेयरनेस। नीचा बोलते हैं कि ज्यादातर लोग खुद को डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं जिससे वो कभी भी लाइफ के एसेंस के बारे में अवेयर हो ही नहीं पाते। जब हमारी लाइफ में मीनिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक बहुत बड़ा सपना नहीं होता जो हमें चैन से ना बैठने दे तब हम आलसी बन जाते हैं। हमारा लाइफस्टाइल ही झूठ का जीता जागता अवतार होता है और हमारे इरादे भी नेक नहीं रहते। हम किसी ना किसी काम में बिजी तो रहते हैं, चाहे वो माइंडलेसली कुछ ना कुछ खाते रहना हो, कोई मूवी देखनी हो या फिर डे ड्रीमिंग करनी हो, लेकिन हमारी हर आदत हमें शार्प और कॉन्शियस बनाने के बजाय हमें डल और अनकॉन्शियस बनाती है। इसी वजह से नीचा हमें खुद से ऑनेस्ट होने के लिए बोलते हैं कि अगर हम ऐसे ही ऑटो पायलट पर जिंदगी जीते रहे तो हम यही सोचते रह जाएंगे कि लाइफ खुद आकर हमारे दरवाजे पर दस्तक देगी और शायद तब कुछ इंटरेस्टिंग होगा। हम इतने डल इसलिए बन जाते हैं जस्ट बिकॉज हम महान बनने और महान बनने के लिए जिस चुनौती भरे रास्ते से गुजरना होता है उससे डरते हैं। इसके बाद जब हम लाइफ में फेल होने लगते हैं तब हम खुद के एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए ये बोलने लगते हैं कि मैं तो कभी ज्यादा पैसे कमाना ही नहीं चाहता था, पैसा ही हर चीज थोड़ी है। या फिर जो इंसान एक लविंग और स्टेबल पार्टनर नहीं ढूंढ पाता जस्ट बिकॉज वो खुद रिलेशनशिप्स में कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता वो बोलता है कि रिलेशनशिप्स और प्यार तो बकवास चीजें हैं, पैसों का पीछा करो। लेकिन ये सब बहाने हैं जो सिर्फ एक कायर इंसान ही बनाता है, जबकि एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अपने हाथ में लेता है वो अपनी लाइफ के हर एरिया में सक्सेसफुल बनता है। इसलिए सिर्फ वो काम करो जो आपको ऊपर उठाते हैं बजाय आपको नीचे गिराने और आपको डल बनाने के। लेसन 3, फाइंड योर वाई। नीचा बोलते हैं कि जिस इंसान के पास एक वाई यानी एक पर्पस होता है वो दुनिया की मुश्किल से मुश्किल चुनौती को भी पार कर सकता है। नीचा के हिसाब से हमें लाइफ कुछ इस तरह से जीनी चाहिए कि जब भी हम खुद को शीशे के आगे देखें तब हम गर्व महसूस करें ना कि शर्म। हमें किसी दूसरी अथॉरिटी के डर से नहीं बल्कि खुद के डर से काम करना चाहिए। दूसरों की जजमेंट से नहीं बल्कि खुद के फ्यूचर सेल्फ की जजमेंट से डरो ताकि 10 साल बाद आपका फ्यूचर वर्जन आपके अभी वाले वर्जन को मेहनत करने के लिए शुक्रिया बोले बजाय खुद को हेट करने के कि काश आपने पास्ट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करा होता। इसलिए हमेशा खुद से सच्चे रहो और अपने इंटरेस्ट्स को फॉलो करने की हिम्मत करो, बाकी सारी प्रॉब्लम्स इसके आगे बहुत छोटी हैं। लेसन 4, सफरिंग इज गुड। ज्यादातर समय सफरिंग के बारे में यही बोला जाता है कि वो नेगेटिव होती है और सफरिंग दुनिया में जितनी कम हो उतना अच्छा रहेगा, लेकिन नीचा बोलते हैं कि जो भी चीज हमें जान से नहीं मारती वो हमें और स्ट्रांग बनाती है। यानी हमें एक फीनिक्स बर्ड की तरह जिंदगी जीनी चाहिए। हमें इतने जोखिम उठाने चाहिए और इतने कष्ट झेलने चाहिए कि उनके बोझ तले दबकर हमारे वो हिस्से मर जाएं जो हमारी ग्रोथ में बाधा डाल रहे थे।
और हमारे वो हिस्से और ग्रो करें जो हमें एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। एक कोट में नीचा बोलते हैं कि कई बार इवॉल्व होने के लिए हमें खुद को किसी ना किसी तरह से बर्बाद होने देना चाहिए ताकि हम एक नया जन्म लेकर और स्ट्रांग बन सकें। अपनी सफरिंग को ग्रोथ की एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। जितना संबंध आप रोशनी से बनाते हो उतना ही संबंध अंधेरे से भी बनाओ और दोनों से दोस्ती करो ताकि आप अपने सुख में भी हंस सको और दुख में भी। लेसन 5, प्रिजर्व योर लाइफ फोर्स। अपने एक डिस्कोर्स में नीचा हमें उन लोगों से दूर रहने के लिए बोलते हैं जो खुद खोखले होते हैं और वो हमारी एनर्जी पर फीड करते हैं। ऐसे लोगों को नीचा ने खून चूसने वाले मच्छर के समान बताया है कि कैसे कई लोग ऊपर से तो बहुत इनोसेंट और स्वीट बनकर हमारे पास आते हैं लेकिन असलियत में वो हमसे जलते हैं और हमें खुद से बेहतर समझकर हमें हेट भी करते हैं। ऐसे मच्छर जैसे लोगों को अपनी स्किन के आसपास भी मत भटकने दो और सिर्फ उन लोगों के साथ ही टाइम स्पेंड करो जो आपकी एनर्जी आपसे चुराते नहीं बल्कि वो खुद इतना ओवरफ्लो कर रहे होते हैं कि वो आपको अपनी कुछ पॉजिटिव एनर्जी देकर जाते हैं। लेसन 6, रिजेंटमेंट मेक्स यू टॉक्सिक। यानी चाहे आपकी लाइफ में कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, आपको जॉब से निकाल दिया जाए, आपका रिलेटिव आपको कोई बात सुना जाए या आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप कर ले, आपने किसी भी इंसान के लिए अपने दिल में हेट और कड़वाहट नहीं रखनी क्योंकि नीचा बोलते हैं कि अपने दुश्मनों और ट्रेजेडीज को सीरियसली ना लेना ये एक साइन होता है स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का। रिजेंटमेंट एक जहर है जो हमारे शरीर में बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए जैसे ही आपको ये लगे कि आप दूसरों के टुवर्ड्स हेट पालने लगे हो तो तभी अपने आप को पकड़ो और खुद को याद दिलाओ कि आपका ये इमोशन आपको ही नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है। यही रीजन है कि क्यों जिन लोगों में रिजेंटमेंट होती है उन्हें नीचा स्लेव मेंटेलिटी वाले लोग बोलते हैं, जस्ट बिकॉज ये खुद की बुद्धि के ही गुलाम बन जाते हैं और खुद को ही नुकसान पहुंचाना चालू कर देते हैं। लेसन 7, नॉलेज कम्स फ्रॉम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। नीचा लिखते हैं कि अल्टीमेटली कोई भी इंसान किसी भी बुक से उससे ज्यादा ज्ञान नहीं ले सकता जितना उसके पास ऑलरेडी है। अगर आपके एक्सपीरियंस से कोई नॉलेज कोसों दूर है तो आपके कानों में उसकी बातें ऐसी पड़ेंगी जैसे वो एक पत्थर पर पड़ रही हो। यानी हमें कोई बात समझ ही तब आती है जब एक डीपर लेवल पर हम ऑलरेडी उससे ज्यादा दूर नहीं होते, वरना आप कितनी भी बुक्स रीड कर लो या कितने भी महान लोगों की बातें सुन लो, आप उनकी बातों को तब तक डीपली नहीं समझ पाओगे जब तक उनकी बातें आपका एक्सपीरियंस नहीं बन जाती। लाइफ एक्सपीरियंस से बड़ा कोई टीचर नहीं होता। थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग सिर्फ उन चीजों की होनी चाहिए जो बिल्कुल जानलेवा हैं। जैसे आपको इस चीज को एक्सपीरियंशियली कंफर्म करने की जरूरत नहीं है कि एक शेर के आगे जाने से वो शायद आपको खाने की कोशिश करे, लेकिन लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स को डायरेक्टली उन्हें जी कर ही समझना चाहिए। लेसन 8, सरेंडर टू लाइफ। नीचा बोलते हैं कि जो इंसान कभी कुछ सेक्रीफाइस नहीं करता वो लाइफ को डीपली फील भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो भाव आपको दान देने के लिए अपने अंदर चाहिए होता है वही भाव आपको लाइफ के सबसे गहरे एक्सपीरियंसेस को रिसीव करने के लिए भी चाहिए होता है, यानी फेमिनिन होना। लेकिन आजकल जहां ज्यादातर लोग मेटीरियल चीजों का पीछा करते नहीं थकते, ऐसे में चाहे एक लड़का हो या एक लड़की, दोनों ही फेमिनिन होने और अपनी इनर रियलिटी को कल्टीवेट करने से कतराते हैं। लेकिन जब तक आप अपने अंदर एक बैलेंस लाकर अपने फेमिनिन पार्ट को भी उतनी ही अटेंशन और इम्पोर्टेंस नहीं देते जितनी आप अपने मैस्कुलिन पार्ट को देते हो, तब तक आप इनवर्डली ग्रो होना नहीं शुरू करते।